एशियन गेम्स 2023 में 11वां दिन भारत के लिए बहुत खास रहा। भारत ने 1951 के बाद भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में गोल्ड के साथ साथ सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया, क्योंकि भारत के लिए एक नहीं दो एथलीट ने एक साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। एक नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड जीता, दूसरे किशोर कुमार जेना जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर दूर भाला फेंक कर भारत के नाम गोल्ड मेडल कर दिया। वहीं जेना की बात करें तो उन्होंने 87 मीटर से ज़्यादा भाला फेंक कर भारत को सिल्वर दिलाया। यूँ तो नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने के साथ साथ ही भारत के हीरो बन गए थे, क्योंकि इतना बड़ा कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किया, सालों के बाद भारत के नाम गोल्ड मेडल किया। लेकिन उन्होंने मेडल जीतने के बाद जो किया उसने तो शायद कहना गलत नहीं होगा कि पूरे देश का ही दिल जीत लिया। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने के बाद अपने साथी किशोर कुमार जेना के साथ जश्न मना रहे थे। जश्न मनाने के समय वो फैंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। इसके अलावा जब भारतीय फैंस उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए कुछ ऐसा करने लगे जिससे मन काफ़ी दुखने लगा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक फैन ने भारतीय तिरंगा का अपमान किया। उन्होंने नीरज चोपड़ा की तरफ तिरंगा फेंका। अगर ये तिरंगा जमीन पर गिर जाता तो भारतीय तिरंगे का बहुत अपमान होता। लेकिन हीरो हमेशा टोपी नहीं पहनते, हीरो हमेशा कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते या फिर कहें कोई ड्रेस नहीं पहनते हैं। कभी कभी हीरो आपके लिए भाला भी फेंकते हैं, मेडल भी जिताते हैं, और वो हीरो रहे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अपनी फुर्ती दिखाई और भारतीय तिरंगे को जमीन पर टच होने से पहले ही उसे पकड़ लिया। जैसे ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फैंस ने लगभग ये कहना शुरू कर दिया कि भाई कितनी बार दिल जीतोगे, आखिर एक ही तो होता है। नीरज चोपड़ा की ये वीडियो फैंस के दिलों में घर कर गई है। नीरज चोपड़ा ने पहले तो गोल्ड जीता, भारत की शान चाइना की सरजमी पर बढ़ाई, इसके बाद उन्होंने भारतीय तिरंगे का अपमान होने से बचा लिया। ये उन भारतीय फैंस के लिए बहुत बड़ा सबक है कि भाई जब आपको अपने तिरंगे की इज्जत करनी ही नहीं होती तो उसे आप साथ लेकर जाते ही क्यों हैं। ऑटोग्राफ लेना है तो सब्र करिए, कुछ देर इंतज़ार कीजिए, क्या पता आपको सेल्फी भी मिल जाए। लेकिन इस तरह से यूँ अपने तिरंगे का अपमान करना ये कहाँ की अच्छी बात है। लेकिन नीरज चोपड़ा वो एक किसी हीरो से कम नहीं है, जिन्होंने भारतीय तिरंगे का अपमान चाइना की सरजमी पर होने से बचा लिया। तो एक लाइक नीरज चोपड़ा के लिए भी बनता है और नीरज चोपड़ा जैसे उन तमाम हीरो के लिए जो लगातार देश और देश के तिरंगे का अपमान होने से बचाते आ रहे हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो सभी देशभक्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।